हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए आज देखते हैं पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र से एक टॉपिक। तो जो हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ठीक है, ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है मिलता रहे। तो चलिए देखते हैं। तो पहले हमने कुछ देख लिया है, ठीक है, पर्यावरण अध्ययन की आवश्यकता तक। आज देखेंगे पर्यावरण के अध्ययन के उद्देश्य और महत्व, ठीक है ना। चलिए आइए देखते हैं। तो पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज, ठीक है ना। कर संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम तथा यूनेस्को ने संयुक्त रूप से सर्वप्रथम वर्ष 1975 में एक अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण अध्ययन कार्यक्रम प्रारंभ किया, जिसके उद्देश्य वर्ष 1975 के विल ग्रेड चार्टर के रूप में सामने आए, जो निम्नबद्ध है। तो विल ग्रेड चार्टर में क्या क्या था? तो पर्यावरण की दशा का मूल्यांकन करना, पर्यावरण के लिए साक्ष्य का निर्धारण करना, लक्ष्य का निर्धारण करना, पर्यावरणीय शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम निर्धारित करना और पर्यावरणीय अध्ययन को उद्देश्य परक बनाना। तो ये कुछ चार पॉइंट थे बेलग्रेड चार्टर का, ठीक है। करें कालांतर में पर्यावरण अध्ययन के कुछ अन्य सर्वमान्य उद्देश्यों का विकास हुआ जो निम्नबद्ध है, जैसे पर्यावरण समस्या का समाधान व मूल्य निर्धारण करना, पर्यावरण से अन्य विषयों को जोड़ना, पर्यावरण संरक्षण एवं पर्यावरण सुधार हेतु जन जागरूकता एवं जन सहभागिता को बढ़ाना, पर्यावरण अनुकूल तकनीक के विकास को प्रोत्साहित करना, पर्यावरणीय क्षति को रोकने के प्रति दृष्टिकोण पैदा करना, प्रकृति के साथ सद्भाव प्राप्त करने का प्रयास करना, पर्यावरणीय शिक्षा का संस्थानीकरण एवं पर्यावरण प्रबंधन हेतु प्रयास करना, पर्यावरणीय मुद्दों पर अंतरराष्ट्रीय सहयोग का प्रयत्न करना। ठीक है, कहाँ देख लिए थे? पर्यावरण क्षति को रोकने के लिए के प्रति दृष्टिकोण पैदा करना, प्रकृति के साथ सद्भाव प्राप्त करने का प्रयास करना, पर्यावरणीय शिक्षा का संस्थानीकरण यहाँ पढ़ रहे थे, एवं पर्यावरण प्रबंधन हेतु प्रयास करना, करें पर्यावरण पर्यावरणीय मुद्दों पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का प्रयत्न करना, ठीक है। आइए देखते हैं पर्यावरणीय अध्ययन का महत्व के बारे में। तो पर्यावरणीय अध्ययन का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज, करा है पर्यावरणीय अध्ययन के अंतर्गत पर्यावरण संबंधी समस्याओं व परिवर्तनों पर ध्यान दिया जाता है तथा समाज में जन जागरूकता के माध्यम से उसके प्रभाव को कम करने का प्रयास किया जाता है, ठीक है। करा पर्यावरण विज्ञान या एनवायरमेंटल एनवायरमेंट साइंस के अंतर्गत पर्यावरण के भौतिक व जैविक कारकों को हो रही क्षति को रोकने तथा सुरक्षित व स्वस्थ वातावरण बनाए रखने के वैज्ञानिक पद्धतियों का अध्ययन किया जाता है। आगे है पर्यावरण अभियांत्रिकी या एनवायरमेंट इंजीनियरिंग में प्रदूषण का मापन एवं उसको न्यूनतम रखने की तकनीकों का अध्ययन किया जाता है। आगे है पर्यावरण को समझने हेतु कृषि, खनन, अभियांत्रिकी, वानिकी, विधि, समाजशास्त्र, सूक्ष्म विज्ञान तथा अर्थशास्त्र के अध्ययन की आवश्यकता होती है। और इसी तरह प्रत्येक विषय के विशेषज्ञों को पर्यावरण की जानकारी होनी चाहिए, जिससे पर्यावरण संरक्षण के प्रत्येक पहलू पर विचार हो सके। ये डार्क नहीं हुआ, कोई बात नहीं। वहां व्यवहारिक रूप से पर्यावरण अध्ययन के अन्य महत्व क्या क्या है वो देखेंगे, ठीक है। तो जैव विविधता के संरक्षण हेतु आधुनिक पर्यावरणीय अवधारणाओं को स्पष्ट करने हेतु
आगे है जीवन को अधिक संधारणीय बनाने हेतु, तीसरा है प्राकृतिक संसाधनों का अधिक कुशलता पूर्वक उपयोग करने हेतु, आगे है विभिन्न प्राकृतिक दशाओं में जीवों के व्यवहार के अध्ययन हेतु, पांचवा है वादी एवं संविधाओं में जीवों के मध्य अंतर संबंधों के अध्ययन हेतु, छठा है स्थानीय राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरणीय मुद्दों और समस्याओं के विषयों में लोगों को जागरूकता व शिक्षित करने हेतु, सातवां है सतत विकास के बोध हेतु। तो ये आज का कुछ टॉपिक था पर्यावरण अध्ययन का महत्व उद्देश्य। तो कल मिलते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के टॉपिक के साथ। तो आज के वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, ठीक है, धन्यवाद।